बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फिजिक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, हम अपनी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 उसको लेकर फर्दर मूव कर रहे थे और अपनी इस चैप्टर के जो हमारे पास टॉपिक थे वो भी सारे डिस्कस कर लिए, हमने सारे स्टडी कर लिए। और टॉपिक्स को स्टडी करने के बाद हमारे पास इस चैप्टर की जो एग्जाम्पल्स आ रही थी उसको हमने स्टार्ट किया हुआ था। और अपनी प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर की जो फर्स्ट वाली 4 एग्जांपल्स हैं, हमने उस वीडियो में 4 एग्जांपल को सॉल्व किया था। आगे इस वीडियो में 4 से फर्दर जो एग्जांपल्स आ रही हैं हम उनको सॉल्व करके एग्जांपल को एंड करेंगे और उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद हम चैप्टर को भी तमाम करेंगे, खत्म करेंगे इसको। अगली जो हम स्टडी करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर वो मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल स्टार्ट हो रही है 5.5 से। एग्जाम्पल नंबर 5.5, ठीक है, 5.5 एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे इसको। 5.5 एक सिंपल सी शॉर्ट स्टेटमेंट और शॉर्ट सॉल्यूशन एग्जाम्पल है, ठीक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आपको, अकॉर्डिंग एज कम्पेयर टू शॉर्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू शॉर्ट। आपने इसको गौर से देखना है, सिंपल सी एग्जाम्पल है, आई होप कि आपको समझ आएगी। कहते हैं आरिस Without slipping rolls, ठीक है, artist without slipping rolls down a hill of height 10 meter, ठीक है, एक डिस्क को हिल से नीचे स्लो डाउन किया गया है, नीचे फेंका गया है, ठीक है, रोल किया गया उसको, जिसकी हाइट थी, हिल की हाइट थी 10 meter। If the disc start from rest at the top of hill, के जो आपके पास डिस्क थी वो हिल की यानी चोटी की जो टॉप है उधर स्टॉप करती है, तो इससे ज़्यादा हुआ कि आपके पास जो इनिशियल स्पीड थी वो 0 आ गई। व्हाट इज इट्स स्पीड एट द बॉटम, के बॉटम पर इसकी क्या स्पीड होगी, आपने ये फाइंड करनी है, ठीक है। हिल की चोटी पर इसकी इसने स्टार्ट किया, ये तो जो आपके पास डिस्क थी, डिस्क चोटी की हाइट पर पड़ी हुई थी, ठीक है, बुलंदी पर पड़ी हुई थी, उधर से उसने नीचे आना था, तो नीचे आते वक्त उसकी जो वेलोसिटी या उसके ऊपर जो स्पीड थी आपने इस एग्जांपल के अंदर उसको कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सिंपल सी है, गिवन डेटा के अंदर जो हम स्टूडेंट पढ़े थे, गिवन डेटा में आपके पास क्या आ रहा है, हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ हिल, वो आपके पास है h इज इक्वल टू 10 meter, ठीक है, 10 मीटर हाइट है आपके पास जो हिल है। फिर आपने इसके अंदर टू फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करेंगे स्टूडेंट, फाइंड आप करेंगे स्पीड ऑफ द डिस्क, स्पीड एट बॉटम, बॉटम के ऊपर उसकी स्पीड क्या होगी, v इज इक्वल टू, आप ये कैलकुलेट करेंगे इस एग्जांपल के लिए। फिर कहते हैं कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन की तरफ देखें, कैलकुलेशन जो हमने फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, अगर आपको याद हो स्टूडेंट, तो फार्मूला हमने पढ़ा था स्पीड ऑफ डिस्क इस चैप्टर के अंदर ही, उधर हमने फार्मूला ड्रा किया था स्पीड ऑफ डिस्क के लिए, तो वो आपके पास आ रहा था v इज इक्वल टू बाय यूजिंग फार्मूला v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4gh डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 4gh डिवाइडेड बाय 3। अब इस इक्वेशन इस फार्मूले में 4 तो कांस्टेंट वैल्यू है, g भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, हाइट आपको गिवन है, 3 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, सिंपल आप वैल्यूज को पुट करेंगे और आपके पास वेलोसिटी या स्पीड का जो आंसर है वो आ जाएगा 4 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय g, g इज इक्वल टू 9.8 मल्टीप्लाई हाइट 10 डिवाइडेड बाय 3। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, 10 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 40, यानी आप क्या करें ऊपर वाली तीनों रकम्स को, तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें आपस में, जो आंसर आएगा उसको आपने डिवाइड कर दे रहे हैं 3 के ऊपर, ठीक है, ऊपर वाली तीनों को मल्टीप्लाई करें जो आंसर आएगा 3 के साथ उसको डिवाइड कर दें, तो आंसर आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 130.67
और जब आप 130.67 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 11.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ दिस एट द बॉटम ऑफ हिल। ठीक है, ऊपर से नीचे आते वक्त जो वेलोसिटी भी बन गई थी इसकी, आपने वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास टॉपिक आ जाएगा। अब जो मूव करना है हमने नेक्स्ट अपने मेंबर, अगर इसी की बात करें तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे इस एग्जांपल को। सिंपल सा बताया गया है, क्या है कि आपके पास एक हिल थी, हिल की हाइट थी, स्पीड ऑफ डिस्क आपने बॉटम के ऊपर फाइंड करनी थी, लेकिन आपने स्पीड ऑफ डिस्क का फार्मूला हमने चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था, वो वाला फार्मूला आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। वो फार्मूला था v = 4gh / 3, 4gh / 3 सारी वैल्यूज को पुट किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये थे आपके पास एग्जांपल नंबर 5.5। जो नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट आपके पास जो एग्जांपल आ रही है स्टूडेंट वो है एग्जांपल नंबर 5.6 में क्या बताते हैं, क्या फाइंड करते हैं हम वो डिस्कस करेंगे अभी। गिवन डेटा इसका क्या आएगा वो लिखते हैं। कहते हैं 5.6 स्टेटमेंट में पढ़ने जा रहा हूं स्टूडेंट। कहते हैं एन अर्थ सैटेलाइट इज इन सर्कुलर ऑर्बिट एट अ डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द अर्थ सरफेस। के अर्थ सरफेस से एक अर्थ सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है वो बताया गया है। ठीक है, व्हाट इज इट्स पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन इन डेज। के दिनों में इसके जो रेवोल्यूशन है वो क्या आएगी। ठीक है, किस लिहाज से रेवोल्यूट कर रहा है वो आपने फाइंड करना है, लेकिन वो डेज में नहीं चाहिए ना, मिनट्स में होना, सेकंड में होना, आवर्स में हो, बल्कि डेज में हो, ये आपकी बात याद रखनी है। टेक मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁴ एंड इट्स रेडियस आर इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। रेडियस की गिवन है, मास ऑफ अर्थ भी गिवन है, उसके बाद डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ ये भी गिवन है, यानी हाइट इसको कह सकते हैं आप। ठीक है, गिवन डेटा आपके पास स्टूडेंट क्या आएगा, मास ऑफ अर्थ, यहाँ सबसे पहले आपके पास आ रहा है हाइट ऑफ सैटेलाइट, इज इक्वल टू 384,000 किलोमीटर। ठीक है, 384,000 किलोमीटर ये आपके पास आएगी हाइट। अब जो मैस ऑफ अर्थ आएगा आपके पास, मैस ऑफ अर्थ m इज इक्वल टू 6 × 10⁴ किलोग्राम। ठीक है, रेडियस आपके पास आ रहा है, रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। ठीक है, 6400 किलोमीटर इसका रेडियस आ जाएगा, और रेडियस को स्टूडेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं आर के साथ। ठीक है, ये आपके पास था गिवन डेटा। गिवन डेटा में क्या बताया गया है, सैटेलाइट का सतह जमीन से ऊपर तक बुलंदी तक का जो डिस्टेंस था वो, यानी हाइट कह सकते हैं हम उसको, हाइट ऑफ सैटेलाइट गिवन थी, उसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ गिवन था, मास ऑफ अर्थ गिवन था, तो आपने फाइंड क्या करना है इसके अंदर, टू फाइंड आप क्या मालूम करेंगे इसके अंदर, टू फाइंड इज इक्वल टू, कहते फाइंड करना है पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इन डेज। ठीक है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इन डेज। ठीक है, दिनों में पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करने आपने वो मालूम करें आप। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टाइम, सॉरी टी, कैपिटल टी इज इक्वल टू, या आप फाइंड करें अगर कैलकुलेशन की तरफ बढ़े स्टूडेंट्स तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। कैलकुलेशन में कहते हैं द डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सेंटर। ठीक है, अर्थ सेंटर से जो डिस्टेंस आ रहा है अर्थ का, हमने वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहले, और उसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट। अभी कहते हैं
जो डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सेंटर, ठीक है, डिस्टेंस जो आपके पास आएगा, आपके पास कैपिटल आर की वैल्यू मौजूद है, लेकिन हमें चाहिए था स्मॉल आर, जो कि फार्मूले में हमारे पास आता है। तो फार्मूले में स्मॉल आर जो आता है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम एक फार्मूले से। फार्मूला आपके पास आ रहा है आर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच। तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या बनेगी, आर आपके पास था 6400 प्लस 384000। जब आप इनको एड अप करेंगे स्टूडेंट तो आपके पास जो आंसर आएगा 39, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी किलोमीटर में, ठीक है। अब जब आप इसको बेसमेंट में कन्वर्ट करेंगे यानी मीटर में, आर इज इक्वल टू 3.904 इंटू 10^8 मीटर, ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू आर की, जो किलोमीटर से हमने फाइंड कर ली मीटर में, ठीक है। अब जो आपके पास फार्मूला था वेलोसिटी का, स्पीड आप फाइंड करेंगे, ठीक है। बेसिकली स्टूडेंट हमने जो टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन फाइंड करना था वो आपके पास था, ठीक है। फार्मूला जो आपने अपने जहन में रख लिया वो था टी इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वी। इस फार्मूले की मदद से हमने टाइम पीरियड फाइंड करना था, ठीक है। लेकिन जब हम इस टाइम पीरियड के फार्मूले को देखते हैं, आपके पास ना तो आर की वैल्यू मौजूद थी, ठीक है, और ना ही आपके पास जो वेलोसिटी वी है, ठीक है, ये वैल्यू मौजूद है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वी निकालेंगे और आर फाइंड करेंगे, उसके बाद आप इस वैल्यू फार्मूले इस फार्मूले में वैल्यू सुपुर्द करके आप टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। आर को हमने निकाल लिया, ठीक है स्टूडेंट, आर की वैल्यू आपके पास ही जो हमने अभी फाइंड की है, आप करेंगे इस फार्मूले में आर इज इक्वल टू ये वैल्यू। अब आपने निकाला वी, तो वी आपके पास क्या आएगा, वी इज इक्वल टू नाउ v is equal to square root of gm divided by r, ठीक है, gm divided by r। अब g एक कांस्टेंट वैल्यू है, m आपके पास वैसा अर्थ था वो आपने याद रखना है, वो भी कांस्टेंट वैल्यू है, और r आपने अभी फाइंड किया ये वाली वैल्यू, या वैल्यू से पुट करेंगे और आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। अगर पुट करें is equal to g आपके पास 6.67 into 10^-11 multiply by 6 into 10^6.0 into 10^24 mass of earth divided by radius r जो आया 3.904 into 10^8। जब आप ये वैल्यूज को पुट करेंगे और इनको आप लेंगे स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद स्टूडेंट जो आंसर आएगा, जो वैल्यूज आपके पास आएंगी, वो वैल्यूज आप देखते हैं अभी। वी की वैल्यू आपके पास, जो वी का आंसर आएगा क्या आएगा, कैसे आएगा, अब आपने क्या करना है, इन तीनों टर्म ऊपर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले के साथ डिवाइड करें, तो आंसर आएगा 10.25 * 10^5 10.25 × 10^5। अब अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें 102.5 × 10^4, पॉइंट को इधर से इधर शिफ्ट किया यानी लेफ्ट से राइट लेकर जाए तो आंसर आपका जो आता है वो माइनस में आता है। 4 में से 1 को माइनस किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये वाला। फिर कहते हैं कि इनका स्क्वायर रूट लें, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद स्टूडेंट जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10.1 × 10^2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, ये आपके पास वैल्यू आ गई वेलोसिटी के लिए, ठीक है। अब ये वैल्यू वैल्यू वेलोसिटी की और ये वैल्यू वन वैल्यू रेडियस की, आपने क्या करना है इस फार्मूले में पुट कर दिया, ठीक है। नाउ आपके पास जो फार्मूला आ रहा है टी इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वी, इसमें वैल्यूज को सारी वैल्यूज को पुट
सब्स्टिट्यूट करें तो t इज इक्वल टू 2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 3.14 पाई की वैल्यू एज इट इज r आपके पास आया था 3.904 into 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय v की जो वैल्यू अभी आपने फाइंड की 10.1 into 10 की पावर 2 ये सारी वैल्यूज को आपने पुट किया। पुट करने के बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है 10 की वैल्यूज को अलग करें और बाकी को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें या जैसा कि हम क्या करेंगे देखें 1, 2 और 3 इन तीनों वैल्यूज को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 24.51 डिवाइडेड बाय 10.1 इनटू 10 की पावर 8 माइनस 2 ऊपर नीचे प्लस की ऊपर तो आगे टू की जो वैल्यू थी वो माइनस हो जाएगी। अब जब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे और इन दोनों को माइनस करेंगे आंसर आएगा 2.427 इंटू 10 की पावर 6 ठीक है इंटू 10 की पावर 6 सेकंड्स। लेकिन स्टूडेंट्स ये आपके पास जो आंसर आ रहा है सेकंड्स में आ रहा है लेकिन अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो स्टेटमेंट में उन्होंने हमें बताया था कि इसका जो आंसर है वो सेकंड्स में नहीं मिनट्स में नहीं आवर्स में नहीं बल्कि किस में होना चाहिए डेज में होना चाहिए। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट इसको इस वाली वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे एक दिन में कितने घंटे होते हैं एक घंटे में कितने मिनट होते हैं एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं इन सब के साथ तो तब जाके आपका जो आंसर है वो बन जाएगा डेज में। यानी आप क्या करेंगे सिंपल इसको अगर आप देखें v इज इक्वल टू 2.427 इनटू 10 पावर 6 डिवाइडेड बाय यानी एक दिन में कन्वर्ट करें दिन में कितने घंटे होते हैं 24 एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60 एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। तो स्टूडेंट जब आप इन तीनों नीचे वाले टर्म को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 28 डेज ये भी यही ठीक आंसर आ रहा है 28 डेज। तो ये आपके पास आंसर आ गया किसके लिए कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए डेज में कितने डेज लगते हैं वो आपके पास था 28 डेज। सिंपल से न्यूमेरिकल स्टूडेंट बस आपने क्या याद रखना है कि जो फार्मूला इधर यूज होगा वो फार्मूला यूज हो रहा है t इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय v और इस फार्मूले में आपके पास ना तो r मौजूद था ना v मौजूद है लेकिन मैसा अर्थ और रेडियस आपके पास गिवन था। इन दोनों टर्म्स की मदद से आपने क्या किया कैलकुलेट कर दिया v और रेडियस r भी। तो बाद में आपके पास जो जनरल फार्मूला था इसके वैल्यूज को पुट किया आपके पास आंसर आया सेकंड्स में लेकिन स्टेटमेंट में आंसर उन्होंने कहा था सेकंड्स की बजाय आपने लेकर आ रहे हैं डेज में। तो आपने क्या किया डे सेकंड से डेज में कन्वर्ट हो गया आपके पास जो आंसर आया वो आपने लिख दिया वो आया आपके पास 28 डेज। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास न्यूमेरिकल 5.5 और 5.6 दोनों न्यूमेरिकल 5.5 तो बिल्कुल सिंपल सा था 6 वाला भी सिंपल है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है और मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों की समझ आई होगी। और एक लास्ट वाली एग्जांपल आपके पास रह गई है एग्जांपल नंबर 5.67 वो अभी हम इस वाली वीडियो में ही उसको भी सॉल्व करेंगे ठीक है। मैं स्टडी करने जा रहा हूँ उसकी स्टेटमेंट को क्या पूछा जा रहा है क्या बताया जा रहा है अभी हम उसको सॉल्व करते हैं ताकि हमारी जो एग्जांपल है वो खत्म हो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें और न्यूमेरिकल के साथ आए अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये भी मैं रेज करने जा रहा हूँ अभी क्योंकि मुझे एग्जांपल खत्म करनी है नेक्स्ट वाली जी। तो स्टूडेंट अगर आपके पास बुक्स है तो एक दफा आप क्या करें बुक से उसको देखें क्या बताया जा रहा है ठीक है ताकि आपको स्टेटमेंट की एंट्री समझ आ जाए और फिर आगे सॉल्व करना आसान हो और कोई प्रॉब्लम ना आपको सॉल्व ना करना पड़े जी। तो न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 5.7 मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूं 5.7 5.7 एक ऑलमोस्ट लेंथी स्टेटमेंट है कहते हैं रेडियो एंड टीवी सिग्नल्स बाउंस फ्रॉम अ सिंक्रोनियस सैटेलाइट इस सैटेलाइट से रेडियो टीवी सिग्नल्स बाउंस हो रहे हैं द सैटेलाइट सर्कल द अर्थ अराउंड 24 आवर्स
ठीक है कि सैटेलाइट है 24 आवर्स में जमीन का पूरा चक्कर एक लगा लेता है। सो इफ द सैटेलाइट सर्कल कॉस्ट अबाउट द इक्वेटर, जो वो इक्वेटर से ऊपर हो, इट सेज ओवर द सेम स्पॉट ऑन द अर्थ बिकॉज द अर्थ इज रोटेटिंग एट द सेम रेट, कि जिस रेट के साथ अर्थ रोटेट कर रही है उसी रोटेशन के साथ वो सैटेलाइट है वो भी रोटेट कर रहा है और एक ही पॉइंट पर दोनों मौजूद है। What is orbital radius from synchronous satellite? इस satellite से इसका जो orbital radius है वो क्या होगा? Find करें। What is its speed? कि इसकी speed क्या होगी? यानी satellite की जो speed है, satellite किस speed के साथ move कर रहा है? ठीक है? उस speed को भी आपने calculate करना है। दो चीजें आपको find करना पड़ेगी इस mathematical इस example में। तो पहले student हम चलते हैं given data की तरफ। तो given data में हमारे पास आ रहा है mass of Earth। अगर बताया हो तो ठीक, ना भी बताया हो तो आपको याद होना चाहिए मैस ऑफ अर्थ। गिवन डेटा स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैस ऑफ अर्थ is equal to answer आएगा 8400 सेकंड। ठीक है, टाइम पीरियड आपका था वन डे में यानी आवर्स में, तो आपने इसको क्या किया कन्वर्ट कर दिया किस में, सेकंड्स में। तो सेकंड्स में कन्वर्ट करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी उसको हम देखते हैं। आई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी आप ये भी याद रखते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट स्टूडेंट आपके पास जो जी आएगा आपने उस वैल्यू को भी याद रखना है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 6.7 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आ गई है, ये आपके पास ये सारा था गिवन डेटा। अब नेक्स्ट टू फाइंड की तरफ जब हम मूव करेंगे, टू फाइंड आपके पास क्या आएगा? टू फाइंड कहते हैं, फाइंड करें ऑर्बिटल रेडियस। ऑर्बिटल रेडियस आर ये फाइंड करें और उसके बाद स्पीड ऑफ सैटेलाइट। वी आप ये भी फाइंड करें। कैलकुलेशन गैस 4R का स्क्वायर इनटू पावर जो आपके पास आ रही है वो आ रही है 1/3 यानी इसका जो है क्यूब रूट आ रहा है। ठीक है, इसके क्यूब रूट की मदद से आपने वैल्यूज को फाइंड करना है, सारी वैल्यूज के अंदर पुट करना है फार्मूले में। तो R इज इक्वल टू G की वैल्यू लिखी हुई है 6.67 मल्टीप्लाई बाय m की थी आपके पास 6 × 10^24 T की थी आपके पास 8400 और G
जी टी का आपके पास था स्क्वायर और इसकी आपके पास आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है फोर एज इट इज, नीचे पाई आर में पाई की वैल्यू आपके पास आई थी पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय फोर एज इट इज, ठीक है, फोर एज इट इज डिवाइडेड बाय फोर पाई आएगा 3.14 और उसका स्क्वायर, फिर आपके पास स्क्वायर क्यूब रूट की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। अब स्टूडेंट जब आप इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सिंपलीफिकेशन में गया कि आपके पास सारा सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा होगा 4.23 × 10^7 मीटर। अब ये क्या करना है, पहले इसका स्क्वायर ओपन करें, फिर सबको मल्टीप्लाई करें, फिर सबके साथ इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर आएगा इसके साथ डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसका के लिए लेना आपने क्यूब रूट, ठीक है, यानी इसकी जो पावर है 1/3 लेंगे तो फिर भी आपके पास सेम आ जाएगा, जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4.23 × 10^7 मीटर, 4.23 × 10^7 मीटर। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आपके पास आ गई आर की, ठीक है, रेडियस ऑफ ऑर्बिटर, जो ऑर्बिटर रेडियस की आप इसको कह सकते हैं, ऑर्बिटर रेडियस की जो वैल्यू थी आपने वो कैलकुलेट कर ली। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो आपने दूसरी चीज मालूम करनी थी वो चीज थी आपके पास वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, कि जो सैटेलाइट था वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, आपने उसको कैलकुलेट करना है। कहते हैं बी पार्ट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फार्मूला अगर हम देखें स्टूडेंट, वेलोसिटी का फार्मूला था v इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय t, 2 पाई r डिवाइडेड बाय t, जब आप इन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा आंसर, टू एंड 3.14 इंटू आर था आपके पास, इस इधर जो आपकी वैल्यू आई 4.23 × 10^7 डिवाइडेड बाय टी था आपके पास 8400, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाले सबको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ऊपर वाले सबको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास आएगा 26.56 इंटू 10^7 डिवाइडेड बाय 840। फिर आप जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.03074 × 10^5 × 10^5। अगर पॉइंट को स्टूडेंट शिफ्ट करें फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद तो आपके पास क्या आंसर आएगा, सॉरी सो दो डिजिट के बाद तो आंसर आएगा 3.074 × 10^5 − 2। दो डिजिट हमने पॉइंट को शिफ्ट किया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा −2 में, तो 2 जो कि 2 पॉइंट शिफ्ट किया तो −2 आंसर आएगा, तो 5 में से 2 निकालेंगे तो आंसर आएगा 3। अब क्या होगा, 3.074 × 10^3, ठीक है, साथ आ रहा था मीटर पर सेकंड। अब 10^3 आपको पता है स्टूडेंट वो होता है किलो के, 3.074 × 10^10 नहीं हम लिखेंगे क्योंकि हमने साइन प्रीफिक्स यूज करने हैं, किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.074 किलोमीटर पर सेकंड, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं 3.1 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ जाती है जो स्पीड ऑफ सैटेलाइट थी, यानी इस सैटेलाइट के साथ जो इस स्पीड के साथ जो सैटेलाइट है वो मूव करते हैं, क्या स्पीड है 3 × 1 3.1
किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, एक सेकंड के अंदर यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 3 किलोमीटर एक सेकंड के अंदर जो स्पीड है वो सैटेलाइट है वो तय करता है। इतना फासला 3 किलोमीटर का फासला एक सेकंड के अंदर जो सैटेलाइट है वो तय करता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 5.7 जो कि इस चैप्टर की लास्ट वाली एग्जाम्पल थी। एंड आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी, आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है, इसलिए आपके लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर की जो सारी एग्जाम्पल हमने अपनी इस वीडियो तक खत्म कर ली है उन सब की आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो स्टूडेंट मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है, अपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।